समझ? जी मुझे ऐसा लगा या तुम वाकई इग्नोर कर रहे थे? अरे नहीं, मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगा, मैं कुछ काम से जा रहा था। अच्छा, बाय द वे आप कुछ अपसेट लग रही है। हाँ शायद हूँ। कोई खास वजह? वजह तो वही है जो हमेशा से थी, वही आम वजह है जो मेरे लिए हमेशा खास होती है। वो जो चाहती है कर लेती है और मैं जो चाहती हूँ वो होने नहीं देती। तो अब की बार आप कुछ ऐसा प्लान क्यों नहीं करती कि आप जो चाहें वो हो जाए? उसके पास इख्तियारात भी ज़्यादा हैं और हक भी, लेकिन मेरे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद भी होना तो शायद मैं कभी ऐसा ना करूँ। शायद इसीलिए आप कुछ कर नहीं पाते। दूसरों को दुख देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं खुद दुख को सह लूँ। फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, आपको कुछ भी कहना बेकार है। मैंने कब कहा कि तुम कुछ कहो, मैं तो बस बात कर रही थी। हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं जिसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। मैडम आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। क्या मतलब मैं चाहूं तो सब कुछ हो सकता है? मतलब आपने एलडी पर ध्यान दिया। मिस्टर आप शराफत के साथ यहाँ से उठकर चले जाएं, इससे पहले कि मैं आपको धक्के देकर बाहर निकलवाऊं। मैडम मैं तो यजदानी साहब का प्रपोजल लेके आपके पास आया था, आगे आपकी मर्जी। गेट आउट। मुझे पूरा यकीन है कि यह भी ईशान की ही कोई चाल है। एक काम करो, बोर्डरूम में जाओ फॉर। एक डेलीगेशन है, उनसे मीटिंग करनी है, पॉइंटर्स में भिजवा दें। लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं थी। मेरी तो थी ना। तो तुम कर लो। मैं जा सकती डार्लिंग, तो तुम्हें क्यों कहती। एक्चुअली मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। खसनफर जा रहे हैं ना, उनको सी ऑफ करने। ही जस्ट इन्फॉर्म्ड मी, वरना मैं ही उनको ड्रॉप करने जाती, तो बस इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। हे यू देयर, इतनी खामोश क्यों हो गए? अब कहीं ये ना कह देना कि तुम्हें भी कॉल आई है। वो जा रहे हैं, तुम्हें भी उनको सी ऑफ करने जाना है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चलो तुम जाके मीटिंग करो, आई गॉट टू गो, मुझे थोड़ी देर हो रही है। और प्लीज सब कुछ सही करना, तुम्हें पता है ना, वरना मेरा मूड ऑफ हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि इतने अच्छे मोमेंट्स को मैं स्पॉइल करूँ तुम्हारी वजह से। Got it. बैठो। आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? अच्छा क्या हो गया, आप किसी बात को लेके परेशान है क्या? हाँ नहीं, नहीं तो। तो सर आप मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? यार कम टू द पॉइंट, क्या बात है आखिर? हाँ आप मेरे भाई से कब बात करेंगे? स्थिति है ठीक है, आप मुझे अपनाना चाहते हैं सर? अभी हमने साथ में वक्त तो गुजारा नहीं, ठीक से एक दूसरे को जानते नहीं, हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए। वो भाई मुझ पे ना
शक कर रहे हैं, रोज मुझसे लड़ते हैं, बस इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम है तो खुद सॉल्व करो ना। अगर तुम्हें पसंद करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ठेका ले लिया तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। लेकिन सर आप ये मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही बात करता हूँ मैं, कुछ और सुनाऊं या बस? मिस तानिया, ये आंसू खुशी के हैं या दुख के? सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या हुआ। कुछ नहीं, वो बस मुझे सर ने थोड़ा डांट दिया है। बॉस का तो काम ही डांटना डपटना है, दूसरों के काम में कीड़े निकालना है। भाई बॉस की तो जॉब यही होती है कि बातें सुनाते रहो दूसरों को। और वैसे भी आपकी ये पहली जॉब है ना, तो जॉब के रवि का एक्सपीरियंस नहीं है आपको, लेकिन हो जाएगा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो बड़े तहम्मुल के साथ अपनी सीट पे बैठता और अपने काम को जारी रखता, यानी कंटिन्यू रखता। एनीवेज कैरी ऑन, अपने काम को जारी रखें। चलता हूं जरा राउंड पे। तानिया मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। बात ये है कि खुर्रम सर, खुर्रम सर आपको अपने रूम में बुला रहे हैं, प्लीज जरा जाइएगा, जल्दी से जाइएगा, प्लीज जाइए, वेट कर रहे हैं आपका। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिस तानिया, आप अपने काम पे फोकस करें प्लीज। थैंक यू, कैरी ऑन योर वर्क प्लीज। थैंक यू। मम्मा मैं एक बात सोच रहा हूँ। इशाल के मुतालिक? नहीं मम्मा, इशाल के मुतालिक नहीं, लाजमी नहीं कि हर बात इशाल के मुतालिक ही हो। जिंदगी में और भी गम है इशाल के सिवा। अब ऐसा क्या गम आ गया तुम्हारी जिंदगी में? मैं शादी करना चाह रहा हूँ, और वो भी किसी को बताए बगैर। क्यों भाई, जब शादी हो ही रही है तो छुपाने का क्या फायदा? मैं एक और शादी करने की बात कर रहा हूँ। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अब दिमाग ठीक है मेरा? मैं एक शादी तो मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, और दूसरी शादी मैं अपने दिल बहलाने के लिए करना चाहता हूँ। जो लोग दिल बहलाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत घटिया होते हैं। वैसे मुझे तो कभी कभी लगता है कि ईशाल भी यही करती है। तो मैंने कब कहा ईशाल ऐसी ही लड़की है? मैंने कब कहा कि वो भरोसे के काबिल है? हाँ ये तो है। देखो खुर्रम, तुम एक अच्छे बाप की औलाद हो, ऐसी घटिया हरकत कभी मत करना। लड़कियां तो मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं, लेकिन मर्द को सोचना चाहिए। ठीक कह रही हैं। मैं इधर आता हूँ कुछ देर। अल्लाह करे कि आपने कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन किया हो। भाभी, मेरी नदामत का तो ये आलम है कि मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत तक नहीं। हमारी वजह से बार बार आपको अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है। आपकी बातों से तो मुझे कोई बात बनती नजर नहीं आ रही भाई साहब। मैं पूरी कोशिशों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। भाभी राजी नहीं हुई?
हालांकि भाई साहब मैं आपसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठी थी, क्या आप इन टूटती हुई रिश्तों की डोर को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? उम्मीद तो मुझे भी बहुत थी। मैं भी ये सोच रहा था कि इशाल का ये वक्ती गुस्सा है, दोनों में कोई अनबन हो गई होगी, मामला सॉल्व हो जाएगा। मगर उससे बात करने के बाद तो अंदाजा हुआ कि वो फैसला कर चुकी है। कमाल भाई, आप दोबारा कोशिश करें वरना लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अभी गलती हमारी तरफ से हुई है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कमाल भाई, बच्चों ने तो रिश्तों को खेल तमाशा समझ रखा है, दोनों खानदानों की इज्जत को भी दांव पे लगा रखा है। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब कि हम एक दूसरे का सामना करने से भी कतराने लगे। आप ठीक कह रही भाभी, मैं शर्मिंदा होने के साथ साथ एक बेबस और मजबूर बाप भी हूँ। लेकिन भाई साहब, आप दोबारा कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला कामयाब करेगा आपको। मैं बहुत उम्मीद लगाकर बैठी हुई हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे मिस इशाल, मैं आपकी एक बात से बहुत इंप्रेस हूँ। आप हर चीज को बहुत डीपली ऑब्जर्व करती हैं, बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेती, आंखें बंद करके कहीं साइन नहीं करती मिनाल की तरह। डॉक्यूमेंट्स की तरह मैं इंसानों को भी बहुत डीपली ऑब्जर्व करती हूँ। ये जो मेरी आंखें हैं ना, किसी स्कैनर से कम नहीं है। जिसको भी देखती हूँ उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इन डॉक्यूमेंट्स की तरह जान जाती हूँ मैं। इसीलिए तो कहता हूँ, आपका और मिनाल का तो कोई मुकाबला ही नहीं। वो जिस खुर्रम के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाती रही है, आपने उसको जूते की नोक पे रख के अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। अच्छा एक बात तो बताइए मुझे, आपकी मिनाल से दोस्ती है भी या सिर्फ ड्रामा ही करते हैं? अगर मैं सच कहूँ तो मिनाल अब मेरी दोस्ती की भी काबिल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? कॉलेज में तो लविंग बर्ड्स बने उड़ा करते थे आप लोग। मगर वक्त के साथ साथ इंसान के ख्यालात और जज्बात बदल जाते हैं। और एक बात मशहूर कहावत है, सुनी होगी आपने, बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बहुत बेहतर होता है। और मिनाल की दोस्ती का क्या भरोसा? एक बात बताइए मुझे, अगर कभी आपको मिनाल के खिलाफ कुछ बोलना पड़े तो बोलेंगे क्या मेरे लिए? बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर मिनाल की दोस्ती से बढ़कर कुछ होगा तो मैं जरूर बोलूंगा। पैसे, जितने बोलेंगे उतने मिलेंगे। पैसे? एक बात तो बताइए मिस ईशा, इस ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, फिर इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना? Why me? मैं जो सोच रही हूँ अगर वो आप कहेंगे तो डैडी को यकीन आ जाएगा, क्योंकि आप उसके बहुत पुराने दोस्त हैं और ये बात डैडी जानते हैं। और इस तरह से वो मिनाल इस ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और पैसों के साथ साथ आपको प्रमोशन भी तो मिलेगी। लेकिन इस बात के लिए मैं आप पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ? अगर आपका काम हो जाने के बाद आप मुकर गई तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। फिर क्या होगा? ये सवाल तो मेरा है मिस्टर समत, कि अगर आपकी वफादारी बदल गई तो? ऐसा नहीं होगा, ये नामुमकिन। अगर मुमकिन बनाने की कोशिश भी की ना तो पता है नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका। बदले में सब कुछ चला जाएगा हाथों से। पैसे, प्रमोशन, जॉब और उस मिनाल की वो 2% की दोस्ती भी। मिस इशाल, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि अपने फायदे के बजाय अपने नुकसान की तरफ कदम बढ़ाऊं। थैंक यू, मैं आई गो ना? अब आप जा सकते हैं। हो
एक दफा मेरी कॉल अटेंड कर ले, मैं इसे सारी अकल सिखाता हूं। खुर्रम आओ इधर बैठो। पहले तुम खुद तो होश के नाखून लो, वो लड़की शुरू से तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है और तुम काट के लट्टू की तरह घूमे चले जा रहे हो, और तुम अभी भी उसके लिए परेशान हो रहे हो। भला वो तुम्हारा फोन क्यों सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी, और शादी के लिए हाँ भी करेगी। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ मामा। उसने मुझे क्या समझा हुआ है? ऐसे वो कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं उसे इस रिश्ते से नहीं भागने दूंगा, उसे शादी तो मुझसे करनी ही पड़ेगी। होश में आ जाओ खुर्रम, जो हो रहा है ना उसी में आफियत जानो, और जो हो रहा है ना उसे होने दो। वरना सोचो, जो लड़की अभी से इतना टेंशन फैला रही है, बाद में जाके क्या करेगी? आए दिन तुम्हें परेशान करेगी। तुम क्यों अपनी जिंदगी को अजीरन बनाना चाहते हो? मामा उसने जो कहा है मैं चुपचाप कैसे एक्सेप्ट कर लूं? मेरी इंसल्ट है ये, और जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। औरत सिर्फ जज्बात से काम लेती है और मर्द दिमाग से, ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। मेरी मानी कब है तुमने खुर्रम? इंशाल के चक्कर में मिनाल जैसी डिसेंट लड़की को ठुकरा दिया। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब देखती जाएं, यही इशाल खुद इकरार करेगी और अंकल अपने पैरों पर चल के आएंगे शादी की बात करने। अब देखती जाएं मैं करता क्या हूं। इस लड़की का गरूर तो मैं तोड़ के रहूंगा। पता नहीं कौन किसका गरूर तोड़ेगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अंकल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज तो मुझे हर तसल्ली लग रही है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सब ठीक कैसे हो जाएगा? अल्लाह करे, बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनकी मंगनियाँ टूट जाती हैं। खदशा यही है, ये लड़की आगे क्या करेगी? आज तो मंगनी तक बात ही टल गई, कल कला को उसकी शादी होगी तो क्या करेगी? काश काश मैं इसकी हर बात ना मानता, इसे रोने देता, इसकी ख्वाहिशात को पूरा होने के बजाय अपनी बात मनवाना सिखाता इसे, तो आज ऐसी कंडीशन ना होती। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, आपको पता तो है उसके मिजाज का। बचपन से लेके आज तक मैं यही कहता आ रहा कि कुछ ठीक हो जाए, मेरी इसी बात सब ठीक हो जाएगा ने इशाल की जिंदगी बर्बाद कर रखती है। मेरे डांट प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि आज वो मेरे कंट्रोल से ही बाहर हो गई है। सही कह रहे हैं आप, वैसे आंटी भी बहुत अच्छी है, सारी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप उठकर चली गई। मैं तो उनके सामने नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा, पता नहीं लड़की आगे क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रही। आप इस तरह डिप्रेस नहीं हो अंकल, रिलैक्स रहे प्लीज, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे बस तना छोड़ो। हाँ हाँ मैंने कर दी थी बात। पागल हो क्या तुम? अंधी हो? नजर नहीं आता तुम्हें? ये जो आंखें दी ना लने, इन्हें इस्तेमाल करना सीखो। मेरी आंखें बेशक बंद हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंखें खोलने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी आंखें और अकल दोनों बंद है। ओहो, बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें, बहुत तंस कर रही हो। हाँ बट यू नो व्हाट, I don't have time for your rubbish. चलो उठा के दो मेरी फाइल। सॉरी इशाल, वो वक्त बहुत पीछे रह गया जब मैं तुम्हारी हर बात मान लिया करती थी।